वहाँ पे हमें सैनमा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सैनमा नज़र आ रहा है, और अभी आगे की तरफ जाके देखते हैं कि हमें आगे क्या चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि सॉरी, आपको ब्रांड्स नज़र आएंगी, और लाइक कपड़ों के डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आएंगी। आई थिंक या अगर सैनमा इधर है तो यहाँ पे सारे खाने की जगह होगी, क्योंकि सैनमा के साथ ही रेस्टोरेंट्स होते हैं, फैमिलीज आती हैं तो वो खाना शाना भी खा के जाती हैं, तो बिजनेस माइंड तो ये हमारे पास जो है सैनमा की तरफ जाती है। हाँ जी, यहाँ पे जो हमें सब नज़र आ रहे हैं लाइक रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं, इधर भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और इधर भी सारे रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो यही होता है बेसिकली, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि सैनमा होता है तो उसके साथ जो होता है वो सारे रेस्टोरेंट आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज जब मूवीज़ के लिए आती हैं तो मूवीज़ के साथ साथ खाने का भी सीन बन जाता है, क्योंकि फैमिलीज होती हैं तो बच्चे वगैरह सारे साथ होते हैं तो खाने का सीन बन जाता है। ये सारे रेस्टोरेंट्स, ये सारी आपको सारी लाइन रेस्टोरेंट्स की नज़र आएगी। तो बेसिकली एंड तक जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो अभी वापस चलते हैं, और जो सैनमा वाली जगह थी ना, एलिवेटर थी, उसके ऊपर जाके देखते हैं कि हमें उसके ऊपर हमें देखने को क्या मिलता है। तो आई थिंक वो लास्ट फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है ना, तो हमने नीचे से काउंट किए थे तो 5 फ्लोर ही थे। अभी राइट नाउ हम जिस जगह पर हैं वो हमारे पास है वो 4th फ्लोर है, और जो सामने की तरफ है वो हमारे पास सैनमा नज़र आ रहा है। तो अभी एंड पे वहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद बस यही था हमारा टूर जो इसका लाइक ग्लोबल मॉल का। तो बस यही था एक लाइक, इसमें हमें देखने को लाइक दो चीज़ें मिली थी। एक थी हमारे पास लाइक वाटर पार्क था, और दूसरा हमारे पास ये सारा मॉल का एरिया था। तो वो यहाँ पे हमें जो लाइक 5 फ्लोर थे उनको हमने सारा एक्सप्लोर किया, और डिफरेंट जगहें देखी, सारे फ्लोर लाइक हर फ्लोर किसी ना किसी चीज़ के लिए फिक्स था ना। तो अभी हम ऊपर जाके देखते हैं कि अभी हमें ऊपर अगर कुछ देखने को मिलता है। तो बाकी ये इसका सारा, इसकी सारे लाइक अरेंजमेंट कह लें, या इसकी सो डेकोरेशन कह लें, हाँ जी डेकोरेशन है, ये सारी इसकी पीछे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सारे मूवीज़ के पोस्टर नज़र आ रहे हैं आपको। इशारा है यहाँ पे हमारे पास आईमैक्स है, और यहाँ पे एंट्रेंस है ना उसकी सिनेमा की। ये हमारा लास्ट फ्लोर था जिसको हमने एक्सप्लोर किया, वो सामने हम नज़र आ रहे हैं, और अभी जो है हम नीचे की तरफ जाएंगे और बस यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमने इसको तकरीबन सारा एक्सप्लोर कर लिया। तो अब मैं आप लोगों से लाइक बाहर ही मिलूँगा, तो अभी नीचे की तरफ चलते हैं। Thank you.
अभी एंड पे हम ये जो नीचे वाला फ्लोर था यहाँ से हमारी एंट्रेंस हुई थी, ये नीचे वाला फ्लोर था, अब एंड पे हम इसको भी एक्सप्लोर करके चलते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिखने को मिलता है। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो बेसिकली कपड़ों के स्टॉल नज़र आ रहे हैं, और सामने लाइक कपड़ों का स्टॉल है, सामने गाड़ी का स्टॉल नज़र आ रहा है, और यहाँ हमारे पास मैकडोनल्ड्स है। यहाँ पे ये एक चीज़ बन गई है लाइक रोबोटिक कैबिन। ये शॉप है और ये सामने शॉप्स हैं। बेसिकली ये जो है मुझे लाइक जैसे जनरल एक फ्लोर होता है ना कि जहाँ पे आपको खाने की चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी, तो इसके अंदर हमें लाइक मैकडोनल्ड्स वगैरह खाने के लाइक रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पे ये गाड़ियों का वॉक्स वैगन नज़र आ रही है, ये भी वॉक्स वैगन है, ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे हमें KFC नज़र आ रहा है, बस ये और यहाँ पे इस साइड पे भी लाइक कपड़ों के स्टॉल नज़र आ रहे हैं, रेस्टोरेंट है। तो बेसिकली यही है, ये जो फ्लोर था फर्स्ट फ्लोर था, ये कहने के जनरल फ्लोर था कि इसमें आपको KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह और गाड़ियों के शोरूम वगैरह, कपड़ों के स्टॉल वगैरह ये सारे नज़र आए हैं, H&M भी है नीचे, और ये रेस्टोरेंट वगैरह ठीक है। मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ फ्लोर खाने वगैरह के लिए है, सेकंड थर्ड जो है वो कपड़ों की ब्रांड्स के लिए है, सेकंड बड़ों के लिए है, थर्ड जो है वो बड़ों के लिए भी है, और बच्चों की भी सारी लाइक आपको ब्रांड्स नज़र आ जाती हैं। आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जाके देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर सारी ब्रांड्स हैं, यहाँ पे ये बड़ी सी एंट्रेंस, आगे की तरफ जाके देखते हैं। असल में यहाँ पर एक वाटर पार्क भी है, बाहर आपने इसकी मेन एंट्रेंस पर उसका नाम देखा होगा, वाटर पार्क भी है। तो सबसे पहले हम जाते हैं उस वाटर पार्क को देखते हैं कि वो दिखने में कैसे दिखता है, उसके बाद फिर ये जो सारा मॉल वाला एरिया है हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको देखेंगे कि ये कैसे दिखता है। तो अभी फ़िलहाल हम जाके जो वाटर पार्क है उसको जाके देखते हैं, और देखते हैं वो दिखने में कैसे दिखता है। यहाँ पे सारा है, आई थिंक वाटर पार्क सामने की तरफ लगता है कि है, स्क्रीन भी है सामने की तरफ, और यहाँ पे सारे झूले वगैरह हैं। क्योंकि वाटर पार्क है तो बेसिकली आपको ये झूले शूले बच्चों के खेलने की जगह तो आपको मिलेगी। ये सामने स्क्रीन है, सही है, अच्छी जगह दिख रही है, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, स्क्रीन भी है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सारे रेस्टोरेंट्स सामने स्क्रीन है। नीचे सारे बच्चों के खेलने की जगह बनी हुई है, ये सारा बच्चों के खेलने की जगह, नीचे झूले झूले बने हुए हैं, और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं,
ये सारे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे जो है सिटिंग एरियाज हैं। आगे की तरफ इसको जरा जाकर एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे हमें दिखने में कैसे दिख रहा है। यहाँ पे म्यूज़िक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, सुनने में म्यूज़िक तो अच्छा लग रहा है। आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी लाउड है। अभी क्योंकि गर्मियाँ तो हैं नहीं, तो इस वजह से तो वाटर पार्क बंद है। बाकी वैसे इसको देख के एक्सप्लोर करते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। इस तरफ जाके देखते हैं कि हमें क्या दिखने को मिलता है। यहाँ पर तकरीबन जो शॉप्स हैं, जो स्टॉल्स हैं, वो तकरीबन बंद हैं, क्योंकि वाटर पार्क है तो गर्मियों में खुलता है। तो ये देखें, सारे स्टॉल्स बंद हैं और ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये सारे आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे बच्चों के खेलने की जगह, ये स्टॉल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे बंद हैं। सारे बंद है, यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे आई थिंक कोई सेरेमनी है या कुछ, उसकी ओपनिंग सेरेमनी लग रही है। इधर कोई आई थिंक सेरेमनी है, तो इधर देखते हैं कि इधर क्या चीज़ है। सारा इधर चेयर्स लगी हुई हैं, स्टेज है, चेयर्स हैं।你一台拿上去，你一台，今天不能摆在这儿，明天也全部要拿下来，在你们那个后面，懂吗？后这个到时候他要不要C台？如果要C台，你就直接带这儿就行了，对不对？如果不要C台，快点。等一会儿，你现在进不了，因为它上面有那个，明天早上来定。C台再往这边走，跟着那个，对着那个。谢谢导演。 हाँ जी, तो वो बेसिकली आई थिंक किसी लाइक सेरेमनी की रिहर्सल हो रही थी, कोई ख़ास फंक्शन हो नहीं रहा, जस्ट रिहर्सल हो रही थी। तो वो बस अभी वो रिहर्सल कर रहे थे, तो अभी मैं वहाँ से निकला हूँ। तो इस जो ग्लोबल मॉल का है, जो बाकी से है, उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं कि हमें उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या क्या नई चीज़ें हैं, और उसके बाकी जो हिस्सा है उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो हम पहले थोड़ी देर पहले वहाँ पर थे, अब वहाँ से आ गए हैं। तो ये पीछे आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे आप कह रहे हैं कि वाटर स्लाइड्स हैं, तो ये सारे आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। तो अभी क्योंकि
सर्दियों का टाइम है तो वाटर पार्क वैसे ऑफिशियली तो बंद है, तो वैसे ही आवाम यहाँ पे आई होती है, जैसे लाइक बच्चों के झूले हैं तो वो सिस्टम चल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं तो काफ़ी बड़ा है, और पीछे वो जो इनके सारे अपार्टमेंट्स वगैरह तो पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे अपार्टमेंट्स। तो अभी यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे की तरफ क्या है। अरे वाह, तो अब इधर जाके देखते हैं कि हमें इधर क्या देखने को मिलता है। अभी हम थोड़ा वाटर पार्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद ये एक्सप्लोर करने के बाद हम जो मॉल वाला एरिया है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड ये नज़र आ रही है और एक साइड ये नज़र आ रही है, तो अभी इधर तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आगे की तरफ चलते हैं, तो चलते हैं शायद इधर हमें कुछ नज़र आ जाए। ये इस वो था, वैसे जगह दिखने को तो प्यारी है, लाइट्स वगैरह हर चीज़ है तो दिखने को तो अच्छी दिख रही है। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उधर कैसे दिखती है वो जगह, तो काफ़ी बड़ी है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारे कह रहे हैं कि अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, ये सारे पीछे की तरफ देख रहे हैं। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी ऊंची और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो इसको जो इसका डिज़ाइन है इसको देख के ऐसे लगता है जैसे कि ना कोई शिप हो ना, सी शिप होती है, जैसे कि वो आप कहने के बैरी जहाज होता है या कोई बड़ी क्रूज शिप होती है, तो वैसे इसका सारा स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एविएशन म्यूजियम भी है, सारा प्लेन खड़ा है यहाँ पर, और एक प्लेन ये सामने भी खड़ा है, इसका टायर है, ये इसके अंदर की तरफ है, ये एक प्लेन है और एक प्लेन ये पीछे की तरफ खड़ा है। तो दो प्लेन यहाँ पे हैं क्योंकि एविएशन म्यूजियम है समथिंग, तो उसके दो जो प्लेन के दो मॉडल हैं वो बाहर खड़े हैं। तो दिखने में तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका वो जो एक स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है, जैसे क्रूज शिप होती है वैसे ही दिखने को लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है और यहाँ पे जैसे ये कैमरास के वो होते थे ना, पुराने ज़माने में कैमरास होते थे और उनकी जो एक वो टेप होती थी जिसको वो धुलवा के पिक्चर निकलवाते थे वो लगी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं, ये देख लें कितना ऊंचा स्ट्रक्चर है, बहुत ऊंचा है, मुझे देखने के लिए उसको ऐसे करके देखना पड़ता है इतना ऊंचा तो है। तो पीछे कुछ खास तो है नहीं, अभी हम यहाँ से निकलने के बाद फिर मॉल वाली साइड पे जाएंगे, जहाँ लाइक जहाँ से हम इंटर हुए थे उसको मॉल को एक्सप्लोर करके देखेंगे। एक उसके वाटर पार्क की एंट्रेंस ये भी है यहाँ पे आई थिंक, जैसे पीछे हमें नज़र आया था वहाँ पे था एविएशन म्यूजियम था, और यहाँ पे कुछ और स्केटिंग का है, बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ये मॉडल नज़र आ रहा, कश्ती नज़र आ रही है पीछे, और यहाँ पे दुनिया भी है हमारे पीछे, दुनिया नज़र आ रही है।
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पॉट का, ये स्ट्रक्चर है। और हाँ पीछे बस आप कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि ट्रेनिंग स्कूल्स हो गए या म्यूज़ियम वगैरह हो गए, वही बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ग्लोबल स्क्वाश का आई थिंक ट्रेनिंग सेंटर होगा, या हाँ ट्रेनिंग सेंटर ही कह सकते हैं। बस यहाँ पे तो हो गया हमारा, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ग्लोबल सेंटर है यहाँ का, चंगदू का लाइक सबसे बड़ी बिल्डिंग। हाँ बस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो सामने इसका एग्ज़िट है। अब हम जाते हैं जो मॉल वाला हिस्सा है उसको ज़रा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि मॉल हमें दिखने में कैसे दिखता है। है तो बहुत बड़ा, लाइक 5 फ्लोर्स थे ना उसके, 5 फ्लोर थे, 5 स्टोरीज के, यानी फ्लोर ही कहेंगे बेसिकली, 5 फ्लोर थे उसके। तो अभी वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम मॉल वाली साइड पे आ रहे हैं जहाँ पे ये मॉल का एरिया है। यहाँ पे सारे ऊपर से लेकर ये सारे फ्लोर मॉल के हैं। शराब है, वाइन, जूस है, जूस। ये देख लें 7,000 युआन का है, और 7,000 युआन तकरीबन बनते हैं पाकिस्तान के कोई 4-5 लाख रुपए। और ये 15 साल पहले की शराब है और ये 1,800 युआन की है और ये 3,000 की है, 3,000 तकरीबन 1,20,000 बनते हैं। तो ये सारा है, यहाँ पे जूस पड़े थे जो चाइनीज लोग पसंद करते हैं पीना, लाइक वाइन, शराब। वो तो ये इसकी सारी लाइक एंट्रेंस थी जहाँ से हम इंटर हुए थे। ये सारा बैक साइड आपको जो सारा नज़र आ रहा होगा, ये हमने इसको सारे को एक्सप्लोर किया। तो अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं और चलते हैं अभी हम बाहर की तरफ। तो अभी हम बाहर की तरफ निकलते हैं। ये अभी हम बाहर की तरफ वहाँ से निकल आए हैं, ये जो पीछे ग्लोबल मॉल था यहाँ से अभी हम निकल आए हैं। अंदर से हमने इसको सारा एक्सप्लोर कर लिया है। तो आपको पीछे ये सारी इसकी जो टोटल बिल्डिंग है नज़र आ रही होगी। हमने इसकी बैक साइड भी एक्सप्लोर किया है, अभी मैं आप लोगों को सारा इसका वो दिखा देता हूँ व्यू। Thank you.
हाँ जी, तो ची ये जो ग्लोबल सेंटर है, ग्लोबल मॉल, वाटर पार्क है ऊपर, इसके ग्लोबल सेंटर का भी आपको नज़र आ रहा होगा। हमने इस ग्लोबल सेंटर को सारा एक्सप्लोर किया है और हम इसके अंदर इंटर हुए थे। उसके बाद हमने इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पहला जो है हमने एक्सप्लोर किया था वो इसका वाटर पार्क था, हमने वाटर पार्क को एक्सप्लोर किया। उसके बाद उसको सारा एक्सप्लोर करने के बाद उसके वाटर पार्क की जो इसकी बैक साइड थी वहाँ को भी, उस जगह को भी हमने एक्सप्लोर किया। उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम जो इसका मॉल वाला एरिया था उस साइड पे आए थे और फिर हमने देखा था कि इसके लाइक 5 फ्लोर्स थे इस मॉल एरिया के, लाइक ग्लोबल मॉल के। तो 5 फ्लोर्स हमने सब फ्लोर्स को एक्सप्लोर किया था। जो फर्स्ट फ्लोर है वो हमने देखा है अभी एंड पे कि वो सारा लाइक जनरल फ्लोर था जहाँ पे हमें लाइक मैकडोनल्ड्स मिला, KFC मिला, हर चीज़ मिली और गाड़ियों का शोरूम लाइक शॉप भी नज़र आई जहाँ पे वो लाइक डिस्प्ले के लिए वॉक्स वैगन खड़ी हुई थी। उसके बाद हमने जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर था उसको भी हमने सारा एक्सप्लोर किया। उसके उसमें हमें देखने को मिला कि कपड़ों की डिफरेंट ब्रांड्स थी, बच्चों की ब्रांड्स थर्ड फ्लोर पे थी और सेकंड फ्लोर जो था वो बड़ों की सारी ब्रांड्स थी कपड़ों की, वो हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम फोर्थ फ्लोर पे गए, वहाँ पे हमें सैनमा नज़र आया और उसके अलावा जो सारे रेस्टोरेंट्स थे वो हमें सारे देखने को मिले। तो बेसिकली ये सारा हमने एक्सप्लोर किया। अभी हम बाहर आ गए हैं, तो बस आज की वीडियो बस इतनी सी थी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप बताइएगा कि ये जो ग्लोबल सेंटर है, ग्लोबल मॉल है, ये दिखने में कैसे दिखता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और आपने बस काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और साथ में उसका जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह ये थे हमारा आज की छोटी सी वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।